गुड इवनिंग। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं प्रोड्यूसर गैस प्लांट के बारे में, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आज केमिस्ट्री में आ रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग को पता चलेगा कि इसका क्या यूज़ है। तो इस एनिमेशन में हम लोग गैसिफिकेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे, प्रोड्यूसर गैस का सब कंस्टिट्यूएंट्स क्या है उसके बारे में जानेंगे, प्रोड्यूस गैस प्लांट के एप्लीकेशंस क्या है वो जानेंगे, गैसीफायर कितने तरह का है वो जानेंगे, गैसीफायर के रिएक्शंस के बारे में जानेंगे और उसका फ़ायदा नुकसान के बारे में जानेंगे। तो ऑल डिटेल्स हम लोग को इसके बारे में पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला, गैसीफिकेशन क्या है। गैसीफिकेशन क्या है? गैसीफिकेशन बेसिकली क्या है कि हमारा थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, एक तो थर्मोकेमिकल प्रोसेस है जो कि बायोमास मटेरियल को या फिर जो कोल वगैरह जो भी है उसको गैसेस कंपोनेंट में चेंज करता है। क्लियर? मतलब क्या है, ये आपका थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है? थर्मोकेमिकल प्रोसेस है जो कि उसको गैसेस कंपोनेंट्स में चेंज करता है, इसको गैसीफिकेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इसमें क्या होता है, इसका रिजल्ट से क्या होता है, इसका रिजल्ट से होता है कि हमको CO, हाइड्रोजन, CH4 ये सब प्राप्त होता है, मिलता है, ये गैसिफिकेशन इसी लोग हमको यूज़ करते हैं। ये इसका गैसिफिकेशन का पूरा हिस्ट्री है ये। ओके फाइन, ठीक है, ये तो क्लियर हुआ गैसिफिकेशन क्या है। गैसिफिकेशन क्या है, थर्मोकेमिकल प्रोसेस है जो कि मटेरियल को गैसेस कंपोनेंट चेंज करता है। हमारा जो गैसेस कंपोनेंट होता है वो हमारा हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड गैसेस कंटेन करता है। चलिए ठीक है, दूसरे में आते हैं। अब प्रोड्यूसर गैस प्लांट में क्या क्या कंटेन करता है, क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं उसमें, देखिए, नाइट्रोजन 49%, हाइड्रोजन 18% और सी कार्बन मोनोऑक्साइड 20% और कार्बन डाइऑक्साइड 10%, ठीक है? ये है इसका टोटल, इसका कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स, चलिए ठीक है, प्रोड्यूसर गैस प्लांट का PGP। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसके बारे में। अब इसमें डिटेल में दिया गया है कितना पार्टिकल्स क्या लेता है, कितना CO रहता है, H2 कितना परसेंटेज में, मीथेन रहता है 2-4%, ये सब कम्बस्टेबल है, ये सब जलनशील है, ठीक है, मैं आग भी बना देता हूँ, ठीक है, और ये वाला जो है ये नहीं जलेगा, ठीक है, नॉन कम्बस्टेबल CO2 नाइट्रोजन इतना इतना परसेंटेज में होता है, ठीक है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट में आते हैं, प्रोड्यूसर गैस एप्लीकेशंस कहाँ होता है, ठीक है, एप्लीकेशंस क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग अलग अलग फॉर्म में यूज़ करते हैं, इसका मल्टी यूज़ है, ठीक है, कोई कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ में आते हैं, कोई कोई इसको हम लोग यूज़ करते हैं प्लांट में, ठीक है, बर्नर में, ठीक है, इसका अलग अलग यूज है, मल्टीपर्पज यूज है। चलिए ओके, अब इसका दिया है कहाँ यूज करते हैं, तो हम लोग गैसिफिकेशन के यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इफिशियंटली है, ठीक है, कन्वर्जन इफिशियंसी का गैसिफिकेशन क्या है, 35 से 45% को कंबर्शन को जो 10-20% होने का उसको चेंज करके इतना में चेंज कर देता है, मैंने बढ़ा देता है, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया गया है। हम लोग प्लांट में यूज़ करते हैं बर्नर, हम लोग फ्लेम के यूज़ में यूज़ करते हैं, ओके फ्लेम, ठीक है, हम लोग PGP या गैसीफायर बोलिए, ये प्लांट में यूज़ करते हैं, प्लांट SA फ्लेम बर्नर, ठीक है, ओके क्लियर हो गया। तो गैसीफायर कितने तरह का होता है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाए कितने तरह का गैसीफायर होते हैं, तो हमारा सबसे पहले होते हैं आपका डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर, ठीक है, एक ये हो गया, एक अपड्राफ्ट गैसीफायर, फिर एक क्रॉस ड्राफ्ट गैसीफायर, एक फ्लूडाइज बेल बेड गैसीफायर, ट्विन फायर गैसीफायर, ठीक है,
सबसे ज्यादा आपका अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट, ठीक है। अप ड्राफ्ट डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर को यूज करते हैं, ठीक है, ये हम जान लेते हैं। ये वाला हमारा पैलेट में डाउन ड्राफ्ट और अप ड्राफ्ट का यूज करते हैं। ये दो ठो बेसिकली यूज होते हैं हम लोग का प्लांट में, पैलेट में, ठीक है। बाकी सब टाइप्स हैं, मैं इसको एक मिनट करके डिफाइन करूंगा, फिलहाल ये दो ठो इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन, नेक्स्ट पे जाते हैं अप ड्राफ्ट के बारे में, ठीक है। जो अप ड्राफ्ट गैसीफायर होते हैं, काउंटर करंट गैसीफायर को कहते हैं इन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एयर इंटर करता है ग्रेट में, एयर इंटर ग्रेट, ग्रेट मतलब क्या होता है, मान लीजिए ग्रेट गैसीफायर का ये यूनिट को बोलते हैं जहाँ पे ग्रेट बना होता है, ये ग्रेट में बर्न होता है, यहीं पे आपका जो कोल है जल के ये गैसियस फॉर्म में चेंज होता है, इसको हम लोग ग्रेट बोलते हैं, ग्रेट, ग्रेट चैम्बर, GRAT, ग्रेट चैम्बर, CHAM चैम्बर। ओके फाइन, ठीक है। ये हमारा इसमें भी अलग अलग दिया गया है कि जोन है, ये जैसे प्रोड्यूसर गैस प्लांट है, ये गैसीफायर है, ये पकड़ लीजिए गैसीफायर है, ठीक है। यहीं पे आपका कोल अलग अलग जोन बना हुआ है, ठीक है, काउंट आगे क्लियर होगा इसके बारे में, ठीक है। ये इसको गैसीफायर जोन कहते हैं, गैसीफायर, ठीक है, आगे देखेंगे क्लियर इसको हो जाएगा। हाँ चलिए आगे, ये है आपका ड्राइंग जोन, पोलेरेसिस जोन, रिड्यूसिंग जोन, कंबर्शन जोन। हमारा एस है वो एक ऐसे करके हाइड्रोलिक एक इस तरीके से बना रहता है, टी टाइप का, यहाँ हाइड्रोलिक रहता है, ये इसको मूव करता है और यहाँ पे कोल नीचे गिरता है, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर दे दिया गया, किस किस टेम्परेचर में, बायोमास फीड मीन्स टू कोल, ठीक है। ये है इसका अपवर्ड काउंटर करंट का, ये पूरा सिस्टमेटिक है। ओके फाइन, अब आते हैं डाउनवर्ड ग्राफ्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाउनवर्ड। ये कुक करंट गैसीफायर है, इसका भी सेम ही काम है। वो क्या गैसीफायर, नोमोस्ट कॉम्पली गैसीफायर सबसे ज़्यादा कॉमन से यूज़ किया वो गैसीफायर है, ठीक है। ये है कि मूव जो एयर का है वो कुक करंट इसलिए कहा जाता है कि एयर का मूव सेम डायरेक्शन में है, एयर जो सेम डायरेक्शन मूव करता है, इसलिए इसको कुक करंट कहते हैं, कुक करंट गैसीफायर। डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर डिज़ाइन करते हैं टार को, ये हमारा मेनली पैलेट में यूज़ होता है, पैलेट में, पैलेट प्लांट में यही यूज़ होता है। ओके फाइन, ये डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर जो है, ये हमारा जो डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर है ये डिज़ाइन करता है टार को। हम लोग जानते हैं टार को टार करेक्टर में कलेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस कहता है पोरालाइज, ये हम लोग जोन है, ठीक है, पायरोलाइसिस जोन में होते हैं, और ये कंबर्शन जोन वेरी ब्रोकन डाउन ऑफ बर्न। ओके फाइन, ये हो गया। इसका एडवांटेज क्या होता है, प्रोड्यूस गैस, इज प्रोड्यूस गैस विथ लो टार कंटेंट, सुटेबल इन गैस इंजन्स और फ्लेम बर्नर etc, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, VVI, अंडरस्टैंड। ये डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर को करंट गैसीफायर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आते हैं नेक्स्ट में, डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर का पूरा आपका डायग्राम है यहाँ पे। ये ड्राइंग जोन है, ये पोलराइसिस जोन है, ये ऑक्सीडेशन, ये आपका रिडक्शन का, यहाँ गैस निकलते हैं, एसिस निकलते हैं, ये फुल डायग्राम। ओके फाइन, डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर। अब नेक्स्ट आते हैं रिएक्शंस कैसे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिएक्शंस जो डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर्स का रिएक्शंस कहते हैं। ये आपका पहले बायो, जो बायोमास इक्वल टू कोल होता है, कोल है, ठीक है, ये 150 डिग्री में आया, ड्राई मास पोलराइसिस 300 से 500 डिग्री में हुआ, टार चार दोनों हुआ, ऑक्सीडेशंस हुआ, ऑक्सीडेशंस पता ही है क्या है, फिर रिडक्शंस हुआ, फिर गैस बनी है, गैस को हम लोग यूज़ करें, ये इसका असली प्रोड्यूसर गैस का डायग्राम है। ओके क्लियर हो गया, ठीक है। ये पहले ड्राइंग जोन, पोलराइसिस जोन, ऑक्सीडेशन जोन
और ये रिडक्शन जोन से गैस बन गया। टेम्परेचर के साथ में है, याद रहेगा 150, 300 से 500, 800 से 1500, रिडक्शन 700 से 1100 में हो गया। ओके फाइन गुड, अब नेक्स्ट में आते हैं ड्राइंग। अब इसका डिटेल, अब ड्राइंग क्या होता है थोड़ा डिटेल लेते हैं। ड्राइंग प्रोसेस में क्या होता है कि 10 से 35% मॉइस्चर होता है। कितना मॉइस्चर होता है? 10 से 35% मॉइस्चर होता है, ठीक है। 10 से 35% का मॉइस्चर होता है और ये 100 डिग्री सेल्सियस में यूज होता है। कितना लिखा हुआ है? 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस में करते हैं हीट सेल्सियस, ठीक है। प्लोराइसिस प्रोसेस क्या है? प्लोराइसिस प्रोसेस क्या है कि वो ड्राइंग के बाद हीटिंग किया जाता है, कंटिन्यूस हीटिंग दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई, ठीक है, कम्प्लीटली विथाउट सप्लाइंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देते हैं इसमें, विथाउट ऑक्सीजन सप्लाई, क्लियर है। फ्लोरेसिस प्रोसेस में बर्म करते हैं बायोमास को विथाउट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सप्लाई इसमें नहीं देते हैं, तब रिएक्शन करेगा वो, ठीक है। इसी रिजल्ट में क्या होता है कि वो गैस में चेंज होता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस में चेंज होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला चारकोल, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। चारकोल सॉलिड पार्ट होता है, टार इज द लिक्विड पार्ट। चारकोल, चारकोल बोलो या कोल बोलो, हम लोग पे अलग अलग है, चारकोल बोलिए या कोल बोलिए, हम लोग कोल यूज करते हैं। चारकोल भी अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है, वो सॉलिड पार्ट होता है, टार लिक्विड पार्ट होता है। और जो गैसेस हम लोग निकालते हैं वो तीन तरह का फॉर्म होते हैं, थ्री टाइप्स का फॉर्म होता है, वो ये चीज दिया हुआ है। चारकोल एक, दूसरा सॉलिड पार्ट है वो, उसके बाद टार जो है, टार हम लोग कलेक्ट करते हैं, लिक्विड पार्ट है, और हमारा गैसेस बी नो वेरिएबल। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ओके, ठीक है। यहाँ ये क्या हो गया आपका, ये ऑक्सीडेशन 900 से 1200 डिग्री में चारकोल को कार्बोनाइज फ्यूल रिएक्ट, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो हमारा ये रिएक्शन बनता है, ठीक है। ये C+O2COT+हीट, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ओके फाइन, हो गया। उसके बाद फिर हम इसके बारे में आएंगे, ठीक है। रिडक्शन होगा हाई टेम्परेचर जब होता है, कंडीशंस आते हैं जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, C+O2, ठीक है, CO2CO बनाया, फिर ये C+H2O CO+H2 बनाया, फिर CO+H2O के साथ रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाया। अब आपका कार्बन प्लस हाइड्रोजन के रिएक्शन हुआ तो मीथेन बना, CH4 मीथेन, ठीक है। ये कैम पूरा होल रिएक्शंस है, ठीक है। इसको इसके बारे में अभी डिटेल तो कर नहीं पाऊंगा, लेकिन ये आपको क्वेश्चन में बाय द वे कभी पूछ दिया जा सके तो आपके लिए जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन केमिकल हम लोग पढ़े हैं इसको ऑलरेडी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये रिडक्शन किया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और रिडक्शन होता है जबकि हमारा, ठीक है। चलिए ये हो गया ख़त्म, रिडक्शंस ख़त्म हो गए। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट, ये आपका पोलराइसिस प्रोसेस है, ठीक है, उसके बारे में पूरा चार्ट है, ठीक है। क्या है टोरिफिकेशंस, टोरिफिकेशंस जो है पोलराइसिस का प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि 10 से 60 मिनट में लो हीटिंग रेट में टेम्परेचर 280 में है टोरीफाइड बायोमास देता है। कार्बोनाइजेशन में 24 घंटा लेता है, लो हीटिंग देता है 400 से 450 टेम्परेचर में होता है चारकोल, ओके। फास्ट में होता है ग्रेटर देन 2 सेकेंड, हाई देता है 500, ये चार्ट है। फास्ट पोलराइज अल्ट्रा पाम लोग को ये यूज़ करता है कार्बोनाइजेशन, ओके, लेट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एडवांटेज, दोनों में एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या, ये दोनों राउंड ड्राफ्ट अप ड्राफ्ट यूज़ पड़ता है, लेकिन हमारा प्लांट में पैलेट में राउंड ड्राफ्ट का ज़्यादा यूज होता है। अब जिसमें मालूम कंपेयर कर लेते हैं, सबसे पहले अप ड्राफ्ट सिंपल डिज़ाइन है और डाउन ड्राफ्ट, ठीक है, सिंपल डिज़ाइन होता है,
एडवांटेज है अपड्राफ्ट का। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, उसका जो टार अमाउंट है ये 500 से 600 ppm प्लस से प्रोडक्ट देता है। ओके, हाई चारकोल बर्नआउट देता है, इसका एडवांटेज है। और ये एक्सपेंसिव गैस क्लीनिंग, अब साफ करने में तो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, ठीक है, ये इसका नुकसान है। फ्यूल है मॉइस्चर कंटेंट को भी ले लेता है, एक्सेट फ्यूल भी हायर मॉइस्चर कंटेंट को ले लेता है। चलिए, और दूसरी बात क्या है, एक्सेट फ्यूल ऑफ डिफरेंट साइज को भी ले लेता है, इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज मेरा यही दो है, एक तो डिसएडवांटेज है 500 से 600 ppm प्लस से प्रोडक्ट देता है, दूसरा है कि क्लीनिंग में इसको ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्च आती है, डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को जानना एकदम जरूरी है कि हमारा यूज़ कहाँ पड़ता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये आता है, ये लो टार देता है, ठीक है हमारा, ठीक है। और बेस्ट यूसेज गैस इंजन वगैरह जो भी फ्लेम वगैरह में यूज होता है वहाँ कर सकते हैं। लोअर रोड लोअर लोड फ्यूअर पार्टिकल्स इन द गैस, ठीक है, फ्यूअर पार्टिकल्स है इसका फ़ायदा है। नुकसान है, ऐस निकलता है, हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको, हमारा जो ऐस निकलेगा उसको भी तो हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन करके कहीं रखना ही पड़ेगा ना। दूसरी है फ्यूल रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट होता है, फ्यूल रिक्वायरमेंट का भी एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट, जितना वही बात है कोई भी फ्यूल रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। दूसरी है लो टेम्परेचर मोर प्रोड्यूस, एट लो टेम्परेचर मोर टायर प्रोड्यूस, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर होता है तो उसमें क्या होता है कि उसको डिसएडवांटेज है, ये हमारा डिसएडवांटेज, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, बस जान लेना है कि सिंपल डिज़ाइन है ये, सिंपल एडवांटेज क्या है, सिंपल डिज़ाइन है, और ये आपका हाई चारकोल बर्नआउट देता है, ये फ्यूल डिफरेंट साइज का एक्सेप्ट करता है, मॉइस्चर कंटेंट का एक्सेप्ट करता है, इसका फ़ायदा है। नुकसान तो हर चीज़, कोई भी मशीन्स है उसका दो पहलू होता है, एक फ़ायदा एक नुकसान, ये हमको जानना जरूरी है। अप ड्राफ्ट में हो गया, डाउन ड्राफ्ट में क्या होता है कि लो टार, ठीक है, 150 से 80 ppm, ppm समझते हैं ना, यूनिट है वो, और बेस्ट ऑप्शन है गैस इंजन के लिए, और ये लोअर लोड्स फ्यूअर पार्टिकल द गैस है। ओके फाइन, अब नेक्स्ट आते हैं, चलिए, थैंक यू। समझ में आ गया होगा आप लोग।